सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन से पूरा देश प्रभावित है, यूपी हो या देश का कोई भी हिस्सा। बाबा के बुलडोजर एक्शन का हर कोई मुरीद है। कारण बस इतना, ये बुलडोजर भेदभाव नहीं समझता, बस इंसाफ करना जानता है। हाल ही में बाबा के समर्थन में एक बुलडोजर रैली भी देखने को मिली, जिसका आयोजन हरियाणा में किया गया था, जो बाबा की लोकप्रियता को दर्शाता है। देश में योगी के बुलडोजर एक्शन को लेकर दो तरह के विचार हैं, एक वो जो इसे सही ठहराते हैं तो दूसरा वो जो इसे गलत मानते हैं, और कई बार तो भेदभाव का आरोप भी लगाते हैं। उनका मानना है कि बुलडोजर एक्शन बस समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन आज की स्पेशल स्टोरी में जिस बुलडोजर एक्शन की बात होगी वो शायद इनके विचारों को बदल दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। वीडियो पर किया हमला, फिर दिखा बुलडोजर एक्शन, बाबा के बुलडोजर का कहर, ढहाया आरोपी का मकान। पूरा मामला यूपी के एटा से जुड़ा है, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इस बुलडोजर एक्शन ने साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई किसी समुदाय विशेष पर नहीं, बल्कि हर गलत करने वालों पर किया जाता है। इस कार्रवाई की शुरुआत तब होती है जब उत्तर प्रदेश के एटा में ग्राम प्रधान ने बीडीओ पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 36 घंटे में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधान के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। जिस घर को तोड़ा गया है वह ग्राम समाज की जमीन पर बनाया गया था। आरोपी प्रधान ने साथियों के साथ मिलकर आवागढ़ बीडीओ की कार के आगे बुलडोजर लगाकर उसे रोक दिया था। आरोपियों ने बीडीओ को गाड़ी से बाहर निकालकर लाठी डंडों से पीटा और उनके ऊपर फायरिंग भी की। आरोपी प्रधान और उसके साथी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। ग्राम प्रधान द्वारा बीडीओ की पिटाई और जानलेवा हमले से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी प्रधान और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी प्रधान पर पहले भी पुलिस पर कई बार हमला करने के आरोप हैं। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया था, जिसे प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें कि जिले की आवागढ़ ब्लॉक पर मोहम्मद जाकिर बीडीओ के पद पर तैनात हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह सोमवार को कार से एटा जिला मुख्यालय से वापस खंड विकास कार्यालय आवागढ़ आ रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी बाईपास स्थित सेंट पॉल्स स्कूल पर पहुंची, तभी वहां बुलडोजर के साथ ग्राम पंचायत नगला खन्ना का प्रधान सत्येंद्र यादव अपने साथियों के साथ खड़ा था। उसने बीडीओ को गाड़ी के आगे बुलडोजर लगा दिया। आरोप है कि जान से मारने की नीयत से आरोपियों ने बीडीओ को कार से बाहर निकालकर उन्हें लाठी डंडों से पीटा। फायरिंग कर आरोपी मौके से फरार हो गए। मारपीट में बीडीओ को गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वीडियो ने घटना की जानकारी अपने अधिकारियों को दी। पुलिस को तहरीर देकर आरोपी प्रधान और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, उसके खिलाफ जांच बैठाई गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया हुआ था। एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश पर आरोपी ग्राम प्रधान सत्येंद्र यादव के अवैध घर पर SDM जलेश्वर जगमोहन गुप्ता और तहसीलदार फौजदार राजस्व एवं पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे और देर रात बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने ये दिखाया है कि इस प्रकार के एक्शन से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो नेता हो या फिर कोई बाहुबली। यूपी में अवैध कब्जों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। अवैध कब्जों और प्रॉपर्टी पर लगातार सरकार की बुलडोजर चल रही है। पहले भी कई माफियाओं और नेताओं की अवैध कब्जे वाली जगहों को बुलडोजर से तोड़ा जा चुका है। इसी तरह की एक और कार्रवाई उरई में भी देखने को मिली थी। प्रशासन ने तहसीलदार की अगुवाई में कदौरा के मोहल्ला ईदगाह में खलिहान की जमीन पर कब्जा किए पूर्व सभासद के मकान पर बुलडोजर चलाते हुए जमींदोज कर दिया था। इसके बाद भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष और निकाय चुनाव के चुनाव संयोजक की गेस्ट हाउस के बाहर बनी दुकानों पर भी बुलडोजर चलाया गया था। बुलडोजर चलने की सूचना पर भाजपा नेता अपने पुत्र के साथ मौके पर पहुंचे और बुलडोजर के आगे पहुंचकर हंगामा करने लगे थे, जिस पर तहसीलदार उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए थे, जिस पर मुहलाल ईदगाह में निकाय चुनाव के पहले नगर पंचायत द्वारा आधा सैकड़ा अवैध कब्जा धारकों को नोटिस देकर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर अपना आशियाना छीनने के डर से कई लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
ये गुरुवार दोपहर को नगर पंचायत ने 21 लोगों को चिन्हित करते हुए मकान खाली करने की मुनादी करा दी थी और शुक्रवार को तहसीलदार शेर बहादुर सिंह और नायब तहसीलदार हरदीप सिंह की अगुवाई में लेखपाल और नगर पंचायत कर्मी बुलडोजर लेकर ईदगाह पहुंच गए और पूर्व सभासद फारूक खान का घर को तहस नहस कर दिया। मोहल्ले की महिलाओं ने अधिकारियों को रोते हुए बताया कि उनके पास पट्टा किए हुए कागज हैं तो उन्होंने आगे मकान ना गिराते हुए कागज नगर पंचायत कार्यालय भेजने को कहा। इसके बाद प्रशासन की टीम भाजपा नेता कृष्ण चंद्र सिंधी के गेस्ट हाउस पहुंची और बाहर बाहर बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। दुकान गिराने की सूचना पर पहुंचे भाजपा नेता ने अधिकारियों से कुछ दिन का समय मांगा जिस पर उसने देने से मना कर दिया तो नेता और उसके बेटे ने बुलडोजर के सामने आकर ईंट उठाकर सर में मारते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कालपी तहसीलदार शेर बहादुर सिंह का कहना है कि सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा को हटाने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं वो खुद हटा ले, अन्यथा बुलडोजर से धाराशाही कर दिया जाएगा। बता दें कि जिस बुलडोजर एक्शन की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है, इसकी शुरुआत हुई थी कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद, जब कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तब प्रशासन ने सबसे पहले विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाया था, लेकिन इसके बाद तो यह बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और भूमाफियाओं के लिए बुरे सपने जैसे बन गया। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफियाओं से लेकर पुलिस पर हमला करने वाले विकास दुबे जैसे मनबढ़ू अधिकारियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। साथ ही साथ एक कड़ा संदेश भी दिया। 2 जुलाई 2020 की रात को उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा हमला हुआ था। उस दिन रात को कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के ऊपर इससे पहले ददुआ, निर्भय गुज्जर जैसे कुख्यात डकैतों ने भी इतना बड़ा हमला नहीं किया था और ना ही पुलिस को इतनी बड़ी शहादत देनी पड़ी थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने भी जवाब देना शुरू किया। विकास दुबे गैंग के एक एक आदमी को एनकाउंटर में मार गिराया गया। इसके साथ ही प्रदेश में बुलडोजर ने भी गरजना शुरू कर दिया था। लगभग 40 थानों की पुलिस फोर्स और उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, SSP कानपुर दिनेश पी, IG कानपुर JN सिंह की मौजूदगी में विकास दुबे के उस घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ जिसकी छत से चढ़कर बदमाशों ने DSP देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से छलनी कर दिया था। 4 बुलडोजर लगाकर विकास दुबे की अपराध से अर्जित संपत्ति को, फिर चाहे मकान हो या फिर उसकी गाड़ियां, सबको तहस नहस कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये दृश्य पूरा देश देख रहा था, लेकिन ये कार्रवाई यहीं तक रुकने वाली नहीं थी। बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं की अरबों की संपत्ति पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर उन्हें गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया था। बता दें कि सरकार ने माफिया और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर का जो एक्शन शुरू किया, उसमें एक्शन असल में 3 तरह से लिया जाता है। इसमें अपराध से अर्जित संपत्ति, सरकारी जमीन को कब्जा कर बनाई गई संपत्ति और बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बनाई गई संपत्ति शामिल होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपराध से अर्जित संपत्ति की। जब किसी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है तो उस मुकदमे में गैंगस्टर अधिनियम 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी के ऊपर दर्ज हुए पहले मुकदमे के बाद से अर्जित की गई पूरी संपत्ति अपराध से अर्जित संपत्ति मानी जाती है, यानी माना जाता है कि उस व्यक्ति ने यह संपत्ति अपराध से बनाई है जिसे गैर कानूनी मानकर जब्त कर लिया जाता है। दूसरे वो संपत्ति जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई जाती है, ऐसी सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए उस इमारत का ध्वस्तीकरण किया जाता है जिसे स्थानीय प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जाता है। तीसरी उस संपत्ति पर बुलडोजर चलता है जो स्थानीय विकास प्राधिकरण या नगर निगम के द्वारा बिना नक्शा पास करवाए बनवाई जाती है। बिना नक्शा पास करवाए खड़ी की गई उस इमारत को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण करवा दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।